कई हजार व्यापार जो है बंद हो चुके हैं, कितने हजार लोग जो है घर से बेघर हो गए हैं, उनका इनको फिक्र है क्या? ये गरीब मजदूर क्या बिगाड़ा उनका, कुछ बिगाड़ा है? वोट लेने से पहले हर हर मोदी घर घर मोदी, आज कहाँ गया हर हर मोदी घर घर मोदी? हाँ, कहाँ गया वादा? हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया, साला 15 पैसे भी नहीं आए, उल्टे घर से बेघर हो रहे लोग। दुकानदारों को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। गवर्नमेंट को हम हर तरह का टैक्स पे करते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कन्वर्जन चार्ज, हर तरह के टैक्स देने के बावजूद गवर्नमेंट हमारा कोई ख्याल नहीं करती और जब देखो हमारे को परेशानी में डाल दे रखती है। कभी नोटबंदी है तो कभी GST है और कभी कुछ है और कभी कुछ है। आज ये तो सीलिंग की तलवार टंगी है, इसके लिए सब दुकानदार बहुत दुखी हैं। गवर्नमेंट ये भूल जाते हैं कि एक दुकान के पास कम से कम 10-10, 20-20 और एम्प्लॉइज भी होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बातों को ध्यान नहीं देती कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सीलिंग करेंगे उसका क्या रिजल्ट आएगा? आप सभी जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है तो उसके साथ मुल्क को नुकसान होता है। कम से कम लगभग 1000 लोगों के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारी मार्केट का दर्द है, पूरे दिल्ली का दर्द है, उस दर्द को अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं कि आप हमारे दर्द को समझें, व्यापारियों के दर्द को समझें, उनकी रोजी रोटी ना छीने, आप रोजी रोटी दे नहीं सकते, कम से कम बेरोजगारी तो ना बढ़ाएं। राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान से पूर्ण सहयोग आज के बंद को है। हम भी व्यापारी लोग हैं राजस्थान के और राजस्थान से यहाँ कम से कम हज़ारों लोग आए हैं हमारे साथ। मैं अभी मंच पे था, मेरे से कुछ भाइयों ने पूछा भी राजस्थान के लोग सहयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यापारियों की समस्या है, ये राजस्थान या दिल्ली की समस्या नहीं है, ये व्यापारियों की समस्या है। जिस परेशानी, जिस दुख दर्द से व्यापारी गुजर रहे हैं, आज दिल्ली में गुजर रहे हैं, कल ये दिल्ली में छोड़ के राजस्थान में शुरू होने वाला है। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है ये दिल्ली का आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा अगर दिल्ली सरकार ने नहीं सुना तो। कि आप लाखों करोड़ों आदमियों को बेरोजगार कर दो, लाखों करोड़ों आदमियों को बेघर कर दो, लाखों करोड़ों आदमियों को मजबूर कर दो कि वो आत्महत्याएं करें या भूखे मरें।